जी हाँ, चम्मच मिलेगी आपको 10 रुपए में, 10 रुपए में नींबू निचोड़ 10 रुपए में, एक एक ब्रांडेड कलर है साबुनानी मिलेगी आपको 10-10 रुपए में, अगरबत्ती के 10 रुपए में, कपड़े धोने का ब्रश है 10 रुपए में, सब्जी काटने का 10 रुपए में। कितने कितने भैया? कोई भी आइटम? ये 10 के 2 है, ये 10 का 1 है, 10 के 2 है, 10 का पत्ता है। कितने कितने के दुपट्टे भैया? 100 के 2 है। 100 के 2। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ चारू और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कनपुरिया चारू में। दोस्तों, आज मैं आप सभी को कानपुर का बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर बारह देवी मंदिर में लेकर के आई हूँ और इसका पूरा मेला घुमाने वाली हूँ। तो दोस्तों, देर ना करते हुए आइए, आप सबको यहाँ का मेला घुमाते हैं। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा ताकि ऐसे ही वीडियो आप सभी को घर बैठे मिलते रहे। तो दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं माँ बारह देवी मंदिर के मुख्य गेट पर। वैसे तो दर्शन करने के लिए बहुत सारे गेट हैं जहाँ से आप जा सकते हैं, लेकिन ये बारह देवी मंदिर का मेन गेट माना जाता है और इससे जुड़ी हुई एक लंबी सड़क है और लास्ट में माता रानी का मंदिर बना हुआ है जहाँ पर जाकर के आप दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। और इस पूरी लंबी सड़क में बहुत ज़्यादा मेला लगता है और इस सड़क में ही क्या बल्कि इस फाटक से लगभग आधा आधा एक एक किलोमीटर दूर तक मेला लगता है। और ये कानपुर का बहुत ज़्यादा पुराना मेला है दोस्तों, देख सकते हैं यहीं से लगभग मेला स्टार्ट हो गया है। 100-100 रुपए में बहुत ही सस्ते लोअर हैं। और वीडियो को एंड तक देखिएगा, मैं यहाँ के पूरे झूले दिखाने वाली हूँ, जितना भी आइटम मिलता है वो दिखाने वाली हूँ। तो आइए आगे चलते हैं और पूरा मेला घूमते हैं। कितने कितने की है? 20 रुपया। कम नहीं होगा? कितने कितने भैया? तो दोस्तों, देखा यहाँ पर बर्तन है 20-20 रुपए के और किसी भी साइज की कलर की पर्स ले मात्र 250 रुपए में। तो दोस्तों, आप सभी ने देखा यहाँ पर हर माल 30 रुपए का है और सारा कॉस्मेटिक का सामान यहाँ पर मिलने वाला है। डिफरेंट टाइप की लिपस्टिक हैं, उनके सेट्स हैं, आईलेसेस वगैरह हैं, बिंदी के पत्ते हैं, क्लेचेस हैं और अलग अलग प्रकार की क्रीम वगैरह हैं, पाउडर भी हैं और पफ वगैरह भी यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो जो भी चाहिए मात्र 30 रुपए में है। इसके साथ ही दोस्तों, यहाँ पर ट्रे वगैरह की भी बहुत ज़्यादा दुकानें हैं, एक नहीं, ये तो मैं सिर्फ आपको यहाँ पर एक दिखा रही हूँ। पूरे मेले में लगभग आपको ऐसे 20 से 30 दुकानें मिल जाएंगी जहाँ पर 10-20 रुपए में ट्रे प्लेट वगैरह आप ले सकते हैं। तो एक बार विजिट जरूर करिएगा। साथ में ही देख सकते हैं ये अगली दुकान है 20 रुपए हर माल से। यहाँ पर आप बर्तन कोई भी लें, इस तरीके के कंछल वगैरह, ये मात्र 20 रुपए में है। तो कोई भी आइटम ले, सभी यहाँ पर 20 रुपए का है। कितने कितने के दुपट्टे भैया? 100 के 2 है। 100 के 2। तो दोस्तों, आप सभी के सामने मैंने अभी भी भैया से रेट पूछे हैं, 100 के 2 दुपट्टे हैं, किसी भी कलर का लें, साइज का लें, मात्र 100 के 2 है। इसके बाद दोस्तों, मंदिर में लगा हुआ है सिंदूर और 2 कलर का है, जो भी आपको पसंद हो यहाँ पर ले सकते हैं, बहुत सारे लोग ले भी जाते हैं। इसके बाद हम लोग चल रहे हैं 10 रुपए हर माल वाले काउंटर पर और यहाँ पर जो भी आइटम आप देख रहे हैं, चाहे वो हैंकी हो, प्लेट्स हो या फिर क्लेचर हो, रबड़ बैंड हो, मात्र 10 रुपए में है। पूरा पूरा चिमटी का पत्ता या बच्चों की चिमटी छोटी छोटी सी, मात्र 10 रुपए में है। दोस्तों, बहुत सारा यहाँ पर आइटम है जिसको गिना पाना मुश्किल है। और बैंगल्स वगैरह के लिए बारह देवी का मेला बहुत ज़्यादा फेमस है। जो भी लोग पहले गए होंगे वो जानते होंगे कि बारह देवी में बहुत ही सस्ती चूड़ियाँ और कड़े बहुत सस्ते सस्ते मिलते हैं, 10 रुपए दर्जन, 20 रुपए दर्जन, 20-20 रुपए के कड़े यहाँ पर मिलते हैं। साथ में ये जो इयररिंग्स आप देख रहे हैं मात्र 30-30 रुपए में है, कोई भी आप लें 30 रुपए का है, ये सर्किल में लगाए हुए हैं। कितने कितने भैया?
कोई भी आइटम, ये 10 के 2 है, ये 10 का 1 है, 10 के 2 है, 10 का पत्ता है। सो दोस्तों देखा, भैया ने अभी बताया 10 रुपए के यहाँ पर 2-2 आइटम मिल रहे हैं, हेयर बैंड वगैरह। मंदिर का मेला घूमते घूमते आपको एक ऐसी भी जगह दिखेगी जहां पर आप पूरी फैमिली के साथ फोटो क्लिक करा सकते हैं, फ्रेंड्स के साथ क्लिक करा सकते हैं, और ये क्लिक करके मात्र 10 मिनट के अंदर अंदर आपको प्रिंट करके दे देंगे, 20 या 30 रुपए पर कॉपी लेंगे। मुझे ये प्लेस बहुत अच्छा लगता है। हालांकि लोगों के पास अपने अपने मोबाइल हो गए हैं, लेकिन जब नहीं हुआ करते थे तो लोग यहाँ से अपनी अपनी यादें ले जाते थे कि हाँ मैं बारा देवी मंदिर गया था तो मैंने यहाँ पर फोटो क्लिक कराई। खैर अभी भी जिनको शौक है वो ज़रूर जाते हैं और फोटो क्लिक कराते हैं। फिर से देख सकते हैं यहाँ पर 20 रुपए 30 रुपए हर माल 5-5 रुपए में भी है। फ्रेंड्स वीडियो को छोड़कर मत जाइएगा, मैं 5 रुपए वाली सेल भी आपको दिखाने वाली हूँ। देख सकते हैं फिर से ये आ गया 10 रुपए। ये आइटम मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, छोटे बच्चों के लिए हर प्रकार की पेंसिल वगैरह है। देख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों इस काउंटर पे आपको रेजर शॉर्पनर के बहुत अलग अलग डिजाइन मिल जाएंगे मात्र 10 रुपए में। जैसा कि आजकल बच्चों को पसंद आते हैं डिजाइनर शॉर्पनर वगैरह, वो सब आपको मिल जाएंगे। अब बताते हैं दोस्तों इस मंदिर की लोकेशन। दोस्तों ये कानपुर का बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, लगभग 1700 साल पुराना मंदिर है और यहाँ पर 12 देवियों का निवास माना जाता है, इसलिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध मंदिर है। अगर मैं पूरे कानपुर की बात करूँ तो कानपुर का ऐसा कोई कोना नहीं है जहाँ पर लोग 12 देवी मंदिर को ना जानते हों। सो दोस्तों इंतजार की घड़ियाँ आपकी समाप्त हो चुकी हैं, सामने दिख रहा है माँ 12 देवी जी का मंदिर। जी हाँ दोस्तों यही है माता रानी का मंदिर। इसके अंदर जाकर के आप माता जी के दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि दोस्तों देख सकते हैं भीड़ बहुत ज़्यादा है, तो मैंने यहाँ पर जाकर के कैमरा बंद कर दिया था। बहुत ही भव्य मंदिर है, कभी भी जीवन में आपको मौका मिले तो इस बार एक बार इस मंदिर में ज़रूर जाइएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। कितने कितने क्या भैया? सो दोस्तों अभी अभी आपने देखा यहाँ पर एक झालर की बहुत ही बड़ी दुकान है और यहाँ पर लगभग सारे आइटम आपको ऐसे ही मिलने वाले हैं, 10 रुपए 20 रुपए 30 रुपए। मेरे बताने पे यकीन मत करिए, आप खुद देख सकते हैं यहाँ पर हर जगह आपको टैग लिखा हुआ दिख रहा है, 30 रुपए 10 रुपए 20 रुपए। ऐसा कोई भी आइटम नहीं है जहाँ पर यहाँ पर बहुत ज्यादा 100 रुपए 250 रुपए ऐसा लिखा हो। देख सकते हैं 5-5 रुपए में भी यहाँ पर सेल लगी। साथ ही इसकी दोस्तों लोकेशन आपको बता दूं, यदि आप घंटाघर साइड से आ रहे हैं तो सबसे पहले आपको किदवई नगर चौराहा आना पड़ेगा। किदवई नगर से आप 12 देवी आ सकते हैं आसानी से किसी भी टेम्पो ऑटो से। यदि आप कल्याणपुर साइड से आ रहे हैं तो सबसे पहले आपको रावतपुर आना पड़ेगा, रावतपुर से अपने आप आपको 12 देवी की टेम्पो मिल जाएगी। और यदि बर्रा से आ रहे हैं तो सबसे पहले आपको साकेत नगर आना पड़ेगा, किसी भी दिशा से आप आ सकते हैं 12 देवी मंदिर। साथ ही दोस्तों 12 देवी मंदिर के मेले में कॉस्मेटिक के अलावा इस प्रकार का भी बहुत ज्यादा आइटम मिलेगा, जैसे कि लोहे की कढ़ाई है, नॉन स्टिक वगैरह के हैं, लोहे के सारे बर्तन है जैसे खुरपी हो गया, तवा हो गया, चिमटा हो गया, ये सब आपको मिलने वाला है। बहुत सारे क्रॉकरी के आइटम है, कप प्लेट कांच के बर्तन है, सब कुछ आपको इस मेले में मिल जाएगा। आइए ले चलते हैं आप सबको झूलों की तरफ। देख सकते हैं यहाँ पर छोटे छोटे बच्चों के ऐसे बहुत सारे झूले लगे हुए हैं। और मैं आपको एक बार फिर से बता दूं, ये कोई छोटा मोटा मेला नहीं है, बहुत बड़े एरिया में लगता है और यहाँ पर लगभग मेले का आधा भाग तो झूले ही घेरते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर एक आसमानी झूला भी है और बहुत अलग अलग प्रकार के हैं। इस तरीके से नाव वाले 2-3 झूले थे, छोटे बड़े, आप वीडियो के थ्रू देख भी सकते हैं। तो दोस्तों जाइए अपनी अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में और इन बड़े बड़े झूलों का मजा लीजिए। दोस्तों अब मैं यहाँ पर वीडियो को समाप्त करती हूँ और एक लास्ट मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो को थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलती हूँ एक नेक्स्ट वीडियो में नए प्लेस के साथ में, तब तक के लिए जय माता दी।